लेकर चर्चा तो दिन भर रही, लेकिन आखिर में वो पूरी खबर ही बदल गई। हालांकि न्यूज 24 ने उस वक्त भी अपने दर्शकों को बताया था कि चीन पर ताइवान के अटैक के नाम से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई कुछ और है। शाम होते होते ताइवान ने ही इस पूरे मामले को साफ कर दिया। चीन पर ताइवान के विमान हमले का सच, जिस खबर को आपने दिन भर देखा उसकी असल सच्चाई अब देखी। आपने आज दिन भर ये खबरें देखी होंगी, कई न्यूज चैनलों पर इस खबर को देखा होगा कि ताइवान ने एक चीनी फाइटर को मार गिराया है। कई जगहों पर आपकी नजरें गई होंगी कि ताइवान ने अपने एयर स्पेस में घुस आए चीनी सुखोई 35 विमान को मार गिराया। यहां तक बताया कि इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, लेकिन न्यूज 24 ने आपको दिन में भी बताया था कि ये वीडियो जिस दावे के साथ सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं उसकी सच्चाई कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं विपनेश माथुर। पहले देखिए, जब आज दिन में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था उस वक्त न्यूज 24 ने क्या दिखाया। हमने साफ साफ कहा था कि इस खबर की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि अगर ये सच होता तो दोनों देशों के बीच जंग होने से रोकना शायद नामुमकिन हो जाता। लेकिन अभी तक ना तो चीन की सरकार ने कोई पुष्टि की है और ना ही ताइवान की सरकार की तरफ से कोई पुष्टि की गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन पर हमले की खबर को गलत बताया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकायदा एक ट्वीट के जरिए यह साफ किया गया है कि ताइवान ने चीन पर कोई हमला नहीं किया। ताइवान के एयरफोर्स कमांड ने ट्विटर पर इसे लेकर सफाई तक दी है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे साफ है कि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इंटरनेट पर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ताइवान स्ट्रेट के पास समुद्र और स्पेस को मॉनिटर करने का काम जारी रहेगा और फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जब तक ताइवान ने इस खबर को गलत नहीं बताया तब तक दावा किया जा रहा था कि ताइवान ने चीनी विमान को कई बार चेतावनी दी, लेकिन चीनी विमान ताइवान के एयर स्पेस में बना रहा। इसके बाद ताइवान ने उसे मार गिराया। यह भी दावा किया गया कि इस घटना में पायलट घायल हो गया है, लेकिन कुछ ही समय में ये वीडियो और वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा था वो दोनों गलत साबित हुए। हालांकि जब बाकी चैनल इस खबर को लेकर तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त में न्यूज 24 ने समझदारी दिखाते हुए आप तक सही खबर पहुंचाई और आपको सच बताया। ये पूरी घटना बताती है कि ऐसी खबरों के लिए सिर्फ न्यूज 24 देखिए। ना तो चीन की सरकार ने कोई पुष्टि की है और ना ही ताइवान की सरकार की तरफ से कोई पुष्टि की गई है, लेकिन वायरल वीडियो की तस्वीरें आपके सामने देखिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 24 इंतजार कर रहा है इस खबर की, इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो जानने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। प्रयास जारी है लेकिन इस बीच